तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि पूरा वीडियो बनाना था, हालांकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पूरा वीडियो, बट प्रॉब्लम ये हुई कि बिल्कुल टाइम मिला नहीं मेरे को। पहली चीज़ तो मैंने सोचा था भोपाल से बनाऊंगा पूरा, भोपाल से लेके पूरा मुंबई, फिर मुंबई से लेके यहाँ तक का, बट क्योंकि टाइम मिल नहीं पाया। तो अभी ऐसा हो रहा है कि मैंने चेक इन कर लिया है। मैं पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ कैसे क्या हुआ था। तो मैं भोपाल से मैंने भोपाल के बॉम्बे के लिए मैंने ट्रेन पकड़ी थी, तो करीब 4:30 की, तो मैं सुबह आराम से आ गया था। अभी जो मेरी फ़्लाइट थी वो थी बॉम्बे टू दोहा और दोहा टू बॉस्टन नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी। तो इनिशियली तो ये सोचा था कि भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट ब्लॉग बनाएंगे, सब कुछ ऐड करेंगे उसमें, बट कभी कभार जो आप प्लान करते हो वैसा हो नहीं पाता। तो हालाँकि कुछ मैंने अपने फ़ोन से वीडियोज़ ले लिए थे, सोचा था भोपाल से लूँगा कुछ वीडियो, कुछ अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाऊंगा, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। इतनी सारी पैकिंग बची हुई थी, इतनी सारी चीज़ें थी, एट दी एंड बहुत सारी चीज़ें हॉटस्पॉट हो गई थी ब्लॉग में। तो मुझे अभी मौका मिला है कुछ वीडियो बनाने का। तो मैं बता दूं कि मैंने चेक इन कर लिया था ऑनलाइन 24 आवर्स पहले, तो हालांकि मैं काफ़ी नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि मैं पहला ब्लॉग है मेरा। तो अगर कुछ भी लगे, कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे जाए, क्योंकि बार बार मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ अपनी कॉन्शियसनेस हटाने के लिए, और प्लस लोग बहुत देख रहे हैं मेरे को, तो अगर मैं मास्क के साथ अगर ब्लॉग बनाऊँ इसके आगे तो प्लीज़ समझ जाना यार, पहला ब्लॉग है, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ और लोग काफ़ी घूर रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि मैंने चेक इन कर लिया है, इमिग्रेशन भी क्लियरेंस हो गया है मेरा, और उसमें करीब 1.5 घंटा लगा है। फिलहाल गेट नंबर 46 पे हूँ मैं, जहाँ से मुझे 4:25 पे फ्लाइट मिलने वाली है। और दूसरी चीज़ ये कि फ़्लाइट अभी मेरी है 4:25 पे, जो मुझे दोहा पहुँचा देगी 7:00 और 7:25 और समथिंग, और उसके बाद वहाँ से मेरी फ़्लाइट है 8:25 या 8:30 की, आई एम नॉट क्वाइट श्योर कितने बजे की, मैं चेक करूँगा। उसके बाद वो मुझे दोपहर में करीब 1 से 2 बजे के बीच बॉक्स में पहुँचा देगी। तो भाई फाइनली मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे मैं एक चीज़ को फोकस कर लूँगी कि जहाँ पे मैं अपना व्लॉग बना सकता हूँ। तो आई थिंक ये सही जगह है व्लॉग बनाने के लिए। अच्छा, मुझे वहाँ पे एक चेयर भी दिख रही है, तो हो सकता है कि पूरी जितनी भी चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ। हालाँकि मेरी फ़्लाइट 4:25 की, तो मेरे पास काफ़ी समय, तो मैंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया। मुंबई एयरपोर्ट पर हूँ इस वक्त मैं, और मेरी कतार फ़्लाइट है, और बहुत कुछ ये रेक्लाइनर जैसे दिख रहा है, अच्छा है। चलो यहीं पे बैठ के वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे बैठ के मैं पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कहाँ क्या हुआ था। तो लाइट भी अच्छी आ रही है सबसे अच्छी बात, और पहला वीडियो है मेरा, ये पहला व्लॉग है मेरा ये। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जाके देख लो, ये चैनल किस लिए बनाया गया है और क्यों बनाया गया है। और मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ नहीं कैमरे के लिए, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, व्लॉगिंग सीख रहा हूँ, कैमरा एडिटिंग सीख रहा हूँ, तो धीरे धीरे आएगी। और फ्लाइट करवाई थी, मुझे बॉम्बे बहुत पसंद है, मुझे बॉम्बे घूमना बहुत पसंद है। दिल्ली मेरे पास चॉइस था, बट बॉम्बे इज़ लव, बट घूमने के पर्पज़ से मैं आया था। मैंने सोचा था कुछ घंटे घूमूंगा यहाँ पे, फिर जाऊँगा यहाँ से, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मुझे टाइम मिला नहीं। ऊपर से बारिश, मुंबई की बारिश इतनी हैवी हो रही थी कि मुझे घर वालों ने बाहर निकलने दिया नहीं। मैं करीब करीब निकल गया था, मतलब 9-10 बजे के आसपास, खारघर से निकला था मैं, तो मुझे पहुंचने में करीब 10 बज गए, 10:30 के आसपास बज गए थे। और मैंने चेक इन तो खैर पहले ही कर दिया था, मैंने 24 घंटे पहले ही कर दिया था, और वो चेक इन करने के बाद बोर्डिंग पास लिया मैंने। उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरा पहली बार था, पहला इंटरनेशनल मेरी ट्रैवलिंग थी, तो मुझे इतना कुछ आइडिया था नहीं क्या कैसे करते हैं। तो बोर्ड में पूरा एक जो चार्ट होता है उसमें लिखा हुआ था कतार एयरवेज़ का, कि कब कहाँ पे कौन से काउंटर में आपको जाना है, और वहाँ पे आपको अपना वेब चेक इन है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना है। तो वहाँ पे मैंने पढ़ा सही था कि कतार एयरवेज़ है, वहाँ पे एच में आपको जाना है। तो एच में मैं गया
तो मुझे कोई मिला नहीं वहाँ पे, मुझे कोई बंदा नहीं मिला। तो मुझे लगा शायद 425 की है तो अभी शायद आएंगे वहाँ के ऑफिशियल्स। तो मैंने वहाँ पूछा भी कि भाई यहाँ पे कोई क्यों नहीं हो, मुझे कहाँ जाना है ऐसे रैंडम से। तो उसने बोला कि आप यहीं हैं, थोड़ा वेट कर लो, हो गया तो आ जाना। फिर मैं बैठ गया वहाँ पे। वहाँ पे फिर एक बंदा आया, 5-6 मिनट बाद बोलता है कि भैया एच ये नहीं है, एच आपको दो छोड़ने के बाद मिलेगा, दो काउंटर के बाद मिलेगा आपको एच। फिर मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ पे तो भीड़ थी, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, तो वहाँ बड़ी भीड़ थी, लंबी लाइन लगी थी। तो वो लाइन में एक्चुअली ये था कि अगर आपने वेब चेक इन नहीं किया है तो आपकी वेब चेक इन करवाएंगे वो लोग, और अगर आपने कर लिया है तो उसकी आगे प्रोसीजर जो होती वो होगी। खैर मैंने चेक इन कर लिया था, तो उसके बाद हुआ यूँ कि उन्होंने मेरे बैग चेक किए, उन्होंने मेरा बैग का वेट किया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा, मेरा I-20 मांगा, जो नॉर्मल प्रोसीजर जो होती है उन्होंने वो कुछ मांगे डॉक्यूमेंट्स मुझसे। तो वो होने के बाद मेरा बैग चेक किया गया, बैग हालांकि मैं वे करके आया था तो मुझे पता था वो अंदर ही होगा, रेंज के अंदर ही होगा। तो फिर उसके बाद वो जब हो गया, उसके बाद वे चेक किया, उसके बाद फिर मैं बोर्डिंग करने गया। इंटरनेशनल बोर्डिंग यहाँ पे होती है तो आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल लगा ही हुआ है। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको स्कैन करना अपना बोर्डिंग पास, वो स्कैन करने के बाद आपको एंट्री देंगे। वो एंट्री देने के बाद मुझे लगा कि अब सब कुछ हो गया है, अब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा करके मैं सोच रहा था, बट ऐसा था नहीं। मैं थोड़ा आगे गया, मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग और थे, वहाँ पे पूरा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वहाँ पे पुलिस वाले भी थे, सब थे वहाँ पे। तो वो बोल रहे थे कि आप अपना बेल्ट निकालिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लेके आए हैं वो सारी निकालिए, तो प्रिपेयर रहना आप लोग सब। और उसके बाद जब सारे के सारे गैजेट्स निकल गए, सारे के सारे, एक्चुअली मुझे एक बंदा देख रहा है, अब कब तक देखेगा पता नहीं, वो देखे जा रहा है चलो चला गया वो, खैर मैं हंस दिया। तो फिर देखा, मैंने बैग चेक कराया अपना, बैग में लैपटॉप था, बहुत सारी चीज़ें थी, सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैंने उसकी ट्रे में रख दिया। उसके बाद उसको एक्सेल मशीन से निकाला गया था। तो जब वो काम हो गया तो उसके बाद फिर शायद मेरे बैग में, जो मेरा बैकपैक था उसमें बहुत सारे वायर्स थे, वायर्स इन द सेंस कि मेरे लैपटॉप का जो माउस था वो एक वायर था, जो मेरी हार्ड डिस्क थी उसका वायर था, तो खूब सारे वायर्स थे। तो थोड़ा शायद वहाँ पर उन लोग को लगा होगा, मुझे फिर उन्होंने रोका, उन्होंने पूछा कि आप निकालिए सामान। तो मैंने सामान निकाला, नॉर्मल चेक इन रूटीन था, तो मैंने पूछा कोई इशू है क्या, तो उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, बट तो आपके वायर से इसलिए हम आपको देखना चाहते हैं। तो फिर जब वो हो गया, अब मैं फाइनली अब देख रहा हूँ कैमरे में, मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है, तो ये थोड़ा देख लेना ठीक है। तो फिर जब ये काम हो गया, फिर सब कुछ हो गया, तो फिर मैंने बैग चेक कराया अपना, बैग में कुछ नहीं निकला, ठीक है। सारे के सारे आए हम लोग, अब क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि मैं कुछ खाया नहीं था शाम को खाने को, मैं कुछ खाया नहीं था। फिर मैकडी गया था मैं, तो वहाँ मैकडी से मैंने मील उठाई, मील खाई मैंने, और ये करते करते मुझे बच गए थे करीब 1:30 के आसपास बच चुके थे। ये पूरा प्रोसेस, मतलब मैंने एंट्री ले ली 11:30 के आसपास, और ये पूरा प्रोसेस होते 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 तक 1:30 बज गए थे। तो यहाँ पे बात ये कि आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी आइए, क्योंकि यहाँ पे लाइन बहुत है, क्योंकि अभी बच्चे बहुत हैं, नॉर्मल से बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लंबी लाइन है, हर चीज़ के लिए भीड़ है यहाँ पे। तो अगर आपकी एयरलाइन बोल रही है कि 3 घंटे पहले आइए, तो वो अपना पुराना ही रूटीन लगा रही है। मेरे हिसाब से आपको कम से कम 4 से 5 घंटे पहले आना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं बताना भूल गया, जैसे कि जो आपको रखने ज़रूरी हैं और जो वहाँ पूछे भी जाएंगे। पहला है आपका ऑफकोर्स I-20 पासपोर्ट, इनके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपके दोनों डोज के सर्टिफिकेट, कोविड सर्टिफिकेट, और आपका RT-PCR, और एक कंसेंट फॉर्म होता है, जो हालांकि आप ऑब्वियसली डाउनलोड कर सकते हैं अपने घर में भी, अगर कतार से आपका है, बाकी एयरलाइन में भी मेरे ख्याल से होगा ये चीज़, या तो आप घर से वो फॉर्म भर के आ सकते हैं। कंसेंट फॉर्म होता है कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि ऑफ कोर्स मेरा ये दोनों डोज हैं वो ले चुका हूँ मैं, तो या तो आप वो कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आके भी एक फॉर्म मिलता है जिसको आप फिल कर सकते हैं और वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। प्रोसेस काफ़ी फ्लुएंस होती है, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हुआ था, क्योंकि मुझे पता है मैं हुआ था, तो मुझसे अगर है तो 2-4 लोग भी और हो ही जाएंगे, तो उनके लिए है ये। तो प्लीज़ पैनिक ना हो, सब कुछ फ्लुएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आराम से सारा प्रोसेस हो जाएगा। लंबी लाइन है, धीरे धीरे सब होता है, यहाँ पे कुछ हड़बड़ाहट नहीं है, लोग आराम से आगे बढ़ते हैं, अपना काम कराते हैं, आगे निकल जाते हैं, स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी कि ऑफ कोर्स अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो पेशेंटली सुनते हैं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके आपकी हेल्प भी करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जल्दी आएँ, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, फाइल में लेके आएँ। और हालांकि इमिग्रेशन का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मैं घबरा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे मुझसे कि आप क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ
और क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे? तो मैंने आंसर दिया कि बॉस्टन जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी में मेरी मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो ये सारे कुछ सवाल जवाब थे तो वो दिए मैंने। उसके बाद ऑफकोर्स मुश्किल से मेरे ख्याल से शायद 30 सेकंड 40 सेकंड में उन्होंने क्लियर स्टैंप लगा दिया, क्लियर कर दिया और मुझे एंट्री दे दी उन्होंने वहाँ पे। और खैर बस इतना इमिग्रेशन का तो खैर इतना ही एक्सपीरियंस था मेरा। और आगे मैं दोहा में मिलूँगा अब सीधा, या मेरे को पकड़नी है अपनी फ़्लाइट क्योंकि मिस मैं नहीं होना चाहता हूँ। और तो दोहा में व्लॉग बनाऊंगा अगर मौका मिला मुझे तो। इसलिए मैंने अभी सारी बातें बता दी हैं कि इनकेस अगर दोहा में मुझे टाइम नहीं मिला तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं अपनी क्लियर कर दूँ। क्या कर रही है? कर क्या रही है? कर क्या रही है? हाँ